कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी 2024 में वैकेंसीज आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फॉर्म को भर लिए होंगे। अच्छे तरीके से फॉर्म को सभी को भरना है, कोई गलती नहीं होना चाहिए। जिस तरह का डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है सारे डिटेल्स को अच्छे से फीड करना है। जो नहीं भरे हैं तत्काल प्रभाव से भर दें। देखिए इसकी तैयारी कैसे करना है। जनवरी फरवरी में आपका एग्जामिनेशन है तो आपके पास ये सितंबर तो खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ आपके पास समय है, 90 दिन से 100 दिन आपके पास समय है। तो इन 100 डेज में आपको तैयारी कैसे करना है पूरा फुल डिटेल में मैं बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हो और कैसे आप एक अपना सीट सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि इस बार पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है आपका सिलेक्शन का, क्योंकि 2 वैकेंसी जो कि एक आपको रनिंग में चल रही है, आपको भी पता है, जिसका फिजिकल 23 तारीख से एक्सपेक्टेड है, और जो भी पढ़ने वाले जो मेरिट वाले लड़के थे वो तो उसमें चले जाएंगे, बाकी जो नॉर्मल लड़के हैं उनके लिए ये वैकेंसी बचेगी। ऐसे वो लड़के तो एग्जाम तो देंगे लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब जो पिछली वैकेंसी है वे लड़के एग्जाम इस नई वाली वैकेंसी का देंगे अगर फॉर्म भरेंगे तो, लेकिन इसमें ज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे क्योंकि जनवरी फरवरी आते आते पुरानी वैकेंसी वाले लड़के ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। 40,000 वैकेंसी है और उम्मीद है कि फ्यूचर में यह और बढ़ जाए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका मीडियम लेवल का भी पढ़ाई होगा ना तो आराम से आप सिक्योर कर पाओगे। देखिए तैयारी कैसे करनी है, उसके पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको सिलेबस समझना। सिलेबस को बारीकी से समझिए और इसके एग्जाम के स्ट्रैटेजी को समझिए। आपका 60 मिनट का पेपर होता है, 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा का सारा खेल आपका जो है टाइमिंग का होता है। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन आपका आसान नहीं होगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग, फिर से आपका जीएस और हिंदी, इंग्लिश या हिंदी, तो मोस्टली लड़के तो हिंदी ही चूज करते हैं। 20 मैथ्स से है, 20 रीजनिंग से है, 20 जीएस से और 20 हिंदी या इंग्लिश से है। अब ये 40 क्वेश्चन बनाने में ही ना कहीं आपका 60 मिनट का समय बीत जाता है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन है भाई। अगर कितना भी अगर आप फास्ट करोगे तो आपका एक एक मिनट सब समय ले लेगा, एवरेजली 40 मिनट तो ही ले लेगा। अब 20 मिनट में 40 क्वेश्चन बनाना कहीं ना कहीं टाइमिंग का तो खेल है ये है। तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना होगा, और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कब करिएगा, जब आपका बेसिक ठीक हो। बेसिक ठीक नहीं होगा तो फिर ये आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला क्या काम करना है कि आप एसएससी जीडी का सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करिए। सिलेबस में आपसे मैथ्स पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछे जाते हैं, हिंदी पूछे जाते हैं और जीएस पूछे जाते हैं। सारे 10th बेसिस पे आपके मैथ और रीजनिंग होते हैं, माने 10th से पहले 9th 8th का जो क्वेश्चन होते हैं वे सारे रहते हैं। अंक गणित से ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मैथ्स में मिलते हैं और रीजनिंग का भी नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर जीएस में आपको जो है स्टैटिक, करेंट अफेयर, साइंस और आपका जीके का जो पोर्शन है इससे क्वेश्चन रहते हैं, और हिंदी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको रहता है। इसमें छंद रस से तो क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं। आपके नॉर्मली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वर्तनी, इन्हीं सबसे मुहावरे से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूर्णतः सिलेबस रहा, इस तरह से सिलेबस देखने को मिलता है। अब सारा का सारा मैं बता दिया ना कि टाइमिंग ही चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है, सिलेबस को देखना है। ठीक है, सिलेबस देख लिए, इसके बाद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट है, टेक्स्ट बुक भी जो है कुछ फ्री में आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें मिल जाएगी पब्लिकेशन का, तो PYQ ले सकते हो, देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसे पैटर्न होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। दूसरा काम आपको करना है। तीसरा काम, जब आप ये दो चीज देख लेते हो उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो है आपको लगना है तैयारी करने के लिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका मैथ्स और रीजनिंग ठीक होगा, मतलब कि पहले ये बेसिक पढ़ लिए होंगे, तो जब पहले बेसिक पढ़ लिए हैं मैथ्स रीजनिंग का तो उनको डायरेक्ट क्या करना है, प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। प्रैक्टिस क्या करना है कि आपको डेली जो है 40 से 50 क्वेश्चन मैथ्स के बनाने हैं। ठीक, अब ये मैथ्स के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं। आप 2 प्रैक्टिस सेट रोज लगाइए, प्रीवियस ईयर के सिर्फ मैथ्स के।
इसके अलावा अगर आपके पास मैथ्स का कोई बुक है उसको देखिए, तो 40 से 50 क्वेश्चन डेली आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर आप रीजनिंग रीजनिंग भी अगर आप कहीं पढ़ लिए हो, रीजनिंग तो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो ऑलरेडी प्रैक्टिस का चीज है, तो ये भी जो है 40 से 50 क्वेश्चन बनाइए, टारगेटेड 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसके लिए कितना समय लगता है देखिए, ये 40 से 50 क्वेश्चन जो आप बना रहे हैं मैथ का, अगर ये 20 मिनट में बना देते हैं तो मतलब कि आप एसएससी जीडी के लिए तैयार हो गए हैं। ये रीजनिंग का 40 से 50 क्वेश्चन यदि आप 20 से 25 मिनट में 30 मिनट में बना देते हो तो आप एसएससी जीडी के लिए तैयार हो चुके हो, मतलब एसएससी के कोई भी एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हो। खैर, 40 से 50 क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में बनाना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अगर 30 मिनट में बना देते हो मैथ का और रीजनिंग का 20 मिनट में, मतलब कि आप तैयार हो चुके हो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करना, जो पहले से जिनका मैथ और रीजनिंग ठीक है। तो अगर मैथ्स और रीजनिंग आपका ठीक नहीं है तो किसी टीचर के पास क्लास पकड़िए मैथ्स का, और उससे जो है बेसिक पर काम करिए, फिर आपका तैयारी जो है थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ठीक है, और तैयारी करके फिर यही काम करना है आपको। इसके बाद आते हैं हिंदी और जीएस पे। तो हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी के लिए कोई भी आपके पास सामान्य ज्ञान, हिंदी सामान्य ज्ञान का किताब है, हिंदी का किताब है व्याकरण का, तो हिंदी को पढ़िए। ऐसे तो प्रीवियस ईयर का आप जब देखिएगा क्वेश्चन पेपर तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। खुद से पढ़ने की कोशिश करिए हिंदी और जीएस को। जीएस के लिए क्या करिए, आपके पास कोई सामान्य ज्ञान का किताब है उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़िए, फिर एग्जाम के 15-20 दिन पहले आप करेंट अफेयर्स वगैरह पे ध्यान दीजिए। ये आपको काम करना है। कहने का मतलब ये है कि मैथ्स और रीजनिंग पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। इस तरह से तैयारी करिए, एक शेड्यूल सेट करिए 6 से 7 घंटे का, जिसमें 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग, फिर उसके बाद से 1 घंटा जीएस और 1 घंटा हिंदी। इसके बाद से जो है 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस सेट रोज लगानी है, मॉक टेस्ट, ये आपको काम करना है। फिर वीक पॉइंट पे काम करना है, जो भी आपको कमजोर सेक्शन लग रहा है उस पर काम करना है। इस तरह से आप पढ़ाई चालू करिए, 7 से 8 घंटे का एक शेड्यूल सेट करिए, डेफिनेटली आपकी 3 मंथ में तैयारी हो जाएगी। अब जब डेली अगर आप 40 क्वेश्चन बनाते हो तो सोचो कि 60 दिन में कितना क्वेश्चन बनाओगे मैथ का, रीजनिंग का कितना क्वेश्चन बनाओगे, समझ रहे हो ना, तो आपका लेवल एक अलग लेवल का हो जाएगा। तो पढ़ाई करने का यही तरीका होता है, सिलेबस देखना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना, फिर लग जाना तैयारी में। और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप इस टीचर को पकड़ लो, वो किताब ले लो, ये कर लो, ये सब समझ लो कि फॉल्स बातें हैं, सारा आपके अंदर है। जितना आप मेहनत करोगे उतना जल्दी मंजिल तक पहुंचोगे। तो जिनका भी बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या पिछला जो एसएससी जीडी का एग्जाम था ये सब खराब गया है, तो वो ये काम करें और बिल्कुल तैयारी में लग जाएं। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में पूछें, इसके साथ साथ जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हो।